अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। खुश आमदीद करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल टेक्निकल आइडियाज़ में। तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हो। तो सॉफ्टवेयर आपने बहुत सुना होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में, तो मैं आज आपको बताऊँगा कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हो। तो सबसे पहले जिस चीज़ को हम स्टडी करेंगे वो है इंजीनियरिंग क्या होती है। अगर आप रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ बनाते हो मैथ और साइंस का नॉलेज इस्तेमाल करके, तो उसको हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग कहते हैं। जैसे आपने बिल्डिंग बना दी मैथमेटिक्स को यूज़ करके, तो इससे मुराद है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग को यूज़ किया। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो कंप्यूटर साइंस को यूज़ करके, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारी क्या ये इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है दैट आर एग्जीक्यूट टू परफॉर्म अ यूजफुल टास्क। मतलब ये कि इसके अंदर बहुत सारी जो है वो स्टेटमेंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो सारी क्या होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। कंप्यूटर ने पढ़ता है, डीकोड करता है, वो करने के बाद जो में लिखा होता है उस काम को परफॉर्म किया जाता है। सो ये कुछ भी हो सकता है, 1+1=2 का सॉफ्टवेयर हो सकता है या इससे ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसमें जो पहली एग्जांपल आती है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, नोटपैड की, इस तरह की सारी ये सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें कहते हैं। नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो पर्सन है जो सॉफ्टवेयर को डिवेलप करता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जानता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकता है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर जो है वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ज़रूर लिखा होगा, किसी बगैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो सॉफ्टवेयर नहीं लिखा जा सकता। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स हैं C++, पाइथन, जावा और ये C#। सो की रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो कौन सी हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको अपनी FSC कम्प्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप करते हो तो फिर आपको एक कोर्स होता है जिसको BSSC कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें इनरोल होना पड़ेगा। आफ्टर उसमें इनरोल होने के बाद वो सारी आपको एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है सारी चीज़ें समझाएंगे, जिनमें कोडिंग, टेस्टिंग, मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर कैसे डिवेलप करते हैं, रिक्वायरमेंट्स, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपको की रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए, आपको पास होनी चाहिए, आपके पास ICSE या FSC मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट रिविजन होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सॉफ्टवेयर की और कंप्यूटर की फील्ड के अंदर मेजर जो की रोल है, आपको थोड़ा बहुत पहले से भी नॉलेज होना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज होना कंप्यूटर साइंस का। अगर आपके पास आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ये फील्ड आपके लिए, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना, कंप्यूटर साइंस को एक्सप्लोर करना, सो आप ज़रूर एडमिशन ले सकते हो उसमें। तो सेकंड थर्ड चीज़ है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं।